दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली अभी यानी कि रिसेंटली इमरान खान ने टिकटॉक को यानी कि ज्वाइन किया है, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और एक छोटी सी वीडियो यानी कि वायरल हो चुकी है इस वक्त सोशल मीडिया पर, यानी कि टिकटॉक के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से यानी कि अब जो खबर आ चुकी है, यानी कि वो भी इमरान खान को यानी कि कांग्रेचुलेशन दिए उसने, क्योंकि बिग यानी कि एक अचीवमेंट हासिल करने पर इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है टिकटॉक पर, यानी कि रातों रात ही मिलियन के हिसाब से उन्होंने फॉलोअर गेट किए हैं। तो इस बात पर आज की वीडियो यानी कि पर हमारा रिएक्शन होगा, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉकर यानी कि पहले नंबर पर पाकिस्तान में जन्नत मिर्ज़ा, आप सब ने उसका नाम भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी आप सब लोग यानी कि टिकटॉक चलाते हैं, तो उनके यानी कि उन्होंने चैलेंज किया था इमरान खान को कि मैं आपसे यानी कि फॉलोअर के हिसाब से बहुत ही आगे हूँ। तो अब उस पर यानी कि इस वीडियो का रिएक्शन है, आप सब ने देखना है इसमें कौन आगे है और कौन पहले है दुनिया के पहले नंबर पर। तो आइए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग होने लिए हाई, बिल्कुल यानी कि छोटी सी वीडियो है, 2-3 मिनट की है। तो जी, वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। टिकटॉक ऐप पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 22.9 मिलियन फॉलोअर्स जन्नत मिर्जा के हैं। जन्नत मिर्जा एक प्रोफेशनल मॉडल हैं और जब से ये ऐप लॉन्च हुई है तब से ही इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है। अगर आप जन्नत मिर्जा का अकाउंट देखें तो टॉप दो वीडियोस हैं जो पिन की हुई हैं। इनके व्यूज 45.8 मिलियन और 46.7 मिलियन है, लेकिन इमरान खान की पहली ही वीडियो को अभी तक सिर्फ 17 घंटों में 132.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इससे साबित होता है कि इमरान अहमद खान नियाजी ही पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड है। चंद ही घंटों में इतने ज्यादा फॉलोअर्स और व्यूज हासिल कर लेना टिकटॉक की तारीख में पहली बार हुआ है, जिस पर अब टिकटॉक ऐप के सीईओ का बयान भी सामने आया है। इनका कहना था कि मेरे नोटिस में लाया गया है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने टिकटॉक पर अकाउंट बनाया है, मैं सीईओ की हैसियत से इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, टिकटॉक के सीईओ का किसी को खुशामदीद कहना अपनी नवयत का मुनफरिद और पहला वाकया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो जी, हमने पाकिस्तान में रहते हुए अब तक यानी कि इस तरह की यानी कि जो खबर आई है सीईओ की तरफ से यानी कि टिकटॉक के, हमने पहली बार यानी कि सुना है अपनी लाइफ में, यकीन मानेगा मैंने पहली बार सुना है। अब इमरान खान ने अकाउंट को ज्वाइन किया है, तो इसके बारे में यानी कि उसकी यानी कि जो इन खबर आई है सीईओ की यानी कि वो भी यानी कि अब मैदान में आ चुका है। तो इस बारे में अगर आपकी क्या राय है तो अजहार अपने करेगा इस कमेंट में वीडियो के, ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस तरह आवाम किसके साथ खड़ी है पाकिस्तान में इस वक्त। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।